हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूं प्रीति। सो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप घर पे फेशियल कैसे करना है, जिससे कि आपकी स्किन ग्लोइंग होगी, हेल्थी होगी और आपकी स्किन में बहुत सारा ग्लो आएगा, आपकी स्किन स्टिच हो जाएगी, बहुत ही खूबसूरत आपकी स्किन लगेगी। आजकल मैंने पैम्परिंग सेशन स्टार्ट कर लिया है कि अभी मैंने आपके साथ हेयर स्पा का वीडियो स्टार्ट किया था, शेयर किया था, और आज मैं आपके साथ फेशियल का वीडियो शेयर करूंगी। क्योंकि अभी फेस्टिवल आने वाले हैं, तीज और रक्षाबंधन वगैरह। अभी हम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि अभी कोरोना वायरस ज्यादा से ज्यादा फैल ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। बट डोंट वरी यार, आप घर पे इजिली अपनी केयर कर सकते हैं, अपने आप को पैम्पर कर सकते हैं और अपने आप को खूबसूरत दिखा सकते हैं। तो ये करते हैं फेशियल को स्टार्ट, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी न्यू न्यू लेटेस्ट वीडियोज मिलती रहे, और वीडियो को शेयर कीजिए यार ज्यादा से ज्यादा, और अगर पसंद आता तो एक लाइक तो कर ही दीजिए। तो बढ़ते हैं आगे। तो फेशियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि आज जो मैंने इस फेशियल यूज़ किया है वो है आस्था वेरी का चारकोल स्किन डिटॉक्स ग्लो। ये बहुत ही अच्छा फेशियल है, अगर आपकी कोई भी स्किन टाइप है इजीली सूट हो जाएगा, बट अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। इसमें जो है 6 स्टेप आपको मिलते हैं, फर्स्ट क्लींजर, एक्सपोलिएटर, मसाज जेल, मसाज क्रीम एंड फेस पैक, साथ में इसमें लास्ट में आपको मिलता है सीरम फेस के लिए। पूरे 6 स्टेप हैं और ये आपका 40 मिनट में इजीली हो जाता है, 40 to 45 मिनट में। तो फर्स्ट जो स्टेप है वो हम करेंगे वो है क्लींजर। क्लींजर लिया है थोड़ा सा और 2 to 3 मिनट इसे ऑल ओवर फेस पे इसके अच्छे से मसाज करनी है। इससे जो आपके फेस की जो भी डर्ट इनप्योरिटी होती है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगी। ये जो क्लींजर है ये फॉमिंग कंसिस्टेंसी में है, जैसे फॉमिंग फेस वॉश होता है उसी तरीके से। उसके बाद इसे अच्छे से 2 to 3 मिनट मसाज करने के बाद वेट वाइप्स की हेल्प से इसे अच्छे से क्लीन कर लीजिए। आप चाहे तो आप कोई प्लेन टॉवल भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, मैं जब भी फेशियल करती हूँ तो मैं हमेशा ब्लीच लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सहनाज हुसैन का सहनाज हर्बल का डायमंड ब्लीच लिया है। इसका जो प्राइस है 475 है। ये बड़ा पैक है, आप अगर इसका छोटा पैक लेते हैं तो काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में आपको मिल जाएगा। इसे कैसे यूज़ करना है, इसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट हैं, ये सारे इसमें आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। इस तरीके की इसकी पैकेजिंग है और साथ में इसका एक्टिवेटर इसमें मिला दे रखा है इन्होंने। अब यहाँ पे मैं 1.5 चम्मच ब्लीच का लूंगी और उसमें 2 पिंच के करीब यहाँ पे मैं एक्टिवेटर डालूंगी। एक्टिवेटर आपने हमेशा अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही डालना है। मैं तो यहाँ पे 2 पिंच से ज़्यादा नहीं डालती हूँ ताकि मेरी स्किन जले ना, या मेरे बाल, मुझे बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं चाहिए, मुझे मीडियम अपने हेयर को ब्राउन करना होता है। अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। इसे जो जो आपके फेस के जो एक्सेस हेयर होते हैं ना वो लाइट हो जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं, जिससे कि आपका फेस एकदम नीट क्लीन दिखता है। और फेशियल से पहले ये करना सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। तो आप इसे फेशियल से पहले इस स्टेप को ज़रूर कीजिए, उससे आपको क्या लगेगा, अपने फेस में बहुत ज़्यादा ग्लो लगेगा। इसे ऑल ओवर फेस और नेक पे मैंने ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर लिया है। अगर आपको किसी भी तरीके का इरिटेट या जलन लग रहा है तो आप इसे तुरंत वॉश कर लीजिए। यहाँ पे मैंने 10 मिनट इसे रखा है और उसके बाद अपने फेस को वॉश कर लिया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है चारकोल का स्क्रब एक्सफोलिएटर। एक्सफोलिएटर लूंगी स्क्रब और उसे अपने ऑल ओवर फेस पे अप्लाई करूंगी। 2 to 3 मिनट इसकी भी मैंने अपने ऑल ओवर फेस और नेक पे अच्छे से मसाज करनी है। इससे आपकी जो भी डेड सेल्स हैं, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, वो अच्छे से निकल जाएंगे। आपकी स्किन की जो डेड सेल्स हैं वो अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। हल्के हाथों से आपने मसाज करनी है इसकी सर्कुलर मोशन में, बहुत ज़्यादा हार्डली भी आपने इसकी मसाज नहीं करनी है। 2 to 3 मिनट हो जाने के बाद इसे भी आप वाइप आउट कर लीजिए। ब्लीच करने के बाद आपके फेस में जो है एक अलग ही ग्लो आता है। उसके बाद जो आप मसाज अपने फेस पे करते हैं तो आपका जो फेस है बहुत ही ग्लोई सा लगता है। तो आप ब्लीच ज़रूर ट्राई कर सकते हैं फेशियल से पहले। नेक्स्ट जो स्टेप है, यहाँ पे मैंने स्टीमर लिया है और स्टीम मैं अपने फेस को दे रही हूँ। अगर आपके पास इस तरीके का स्टीमर नहीं है तो आप सिंपली पानी गर्म करके पतीले पे आप स्टीम ले सकते हैं। स्टीम हमारे फेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं और जो आपके पोर्स रहते हैं, क्लॉग पोर्स, वो अच्छे से खुल जाते हैं। आपके फेस की डर्ट इम्प्योरिटी अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो स्टीम जो है आपने ज़रूर लेना है।
उसके बाद यहाँ पे ये टूल आप देख रहे हैं, ये ब्लैक हेड्स रिमूवर है, आपको इजीली किसी भी ब्यूटी शॉप में ये मिल जाता है, जो आपके बहुत ज़्यादा ज़िद्दी ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स होते हैं जो आपके स्क्रबर से नहीं निकलते हैं, वो स्टीम लेने से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और इस टूल से आप इन्हें ईजिली निकाल सकते हैं। तो ये प्रोसीजर भी डन है। उसके बाद यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ चारकोल का फेसियल जेल। इस जेल को आपने अपने ऑल ओवर फेस और नेक पे अच्छे से अप्लाई करना है, उसके बाद आपने इसे 1 मिनट के लिए छोड़ देना है अपने फेस पे। अच्छे से छोड़ने के बाद जब 1 मिनट हो जाए, उसके बाद आपने सर्कुलर मसल में इस पे अच्छे से मसाज करनी ऑल ओवर फेस और नेक पे, और उसके बाद इसे वाइप आउट कर लेना है। इस फेशियल से जो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोई हो जाएगी, आपकी स्किन की जो भी डर्ट इम्प्योरिटी है वो क्लीन हो जाएगी, आपके फेस में बहुत अच्छा ग्लो आएगा। आप देख सकते हैं इसका लाइव रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट जो है वो है मसाज क्रीम। फोर्थ जो स्टेप है, मसाज क्रीम को आपने अपने ऑल ओवर फेस नेक पे अप्लाई करना है। उसके बाद आपने इसकी 10 से 15 मिनट बहुत ही अच्छे से मसाज करनी है अपने फेस पे। थोड़ा सा वाटर लीजिए अपने हाथ में और अच्छे से इसकी मसाज कीजिए। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप बार बार अपने फेस पे पानी लीजिए, और इस क्रीम की आपने अपने ऑल ओवर फेस नेक पे अच्छे से मसाज करनी है, एंटी क्लॉक क्लॉक वाइज, जिस तरीके से मैंने ये स्टेप यहाँ पे बताए हैं, अपने आई एरिया के लिए, अपने फोरहेड के लिए आपने इसे अच्छे से मसाज करनी है। आप चाहे तो किसी और की हेल्प भी इसमें ले सकते हैं। इससे जो आपके फेस का जो ब्लड फ्लो है वो अच्छा होगा और आपकी स्किन डेफिनेटली ग्लोइंग होगी। अगर आप टीनेजर हैं तो आप मसाज कम कर सकते हैं, बट अगर आप 25 से ऊपर हैं, आपकी स्किन में थोड़ा सा झुर्रियाँ हैं, स्किन ढीली हो रही है, तो आपने इसकी 15 मिनट तक, 10 से 15 मिनट ज़रूर मसाज करनी है, और जो उसके बाद जो एक्सेस आपकी क्रीम होगी उसे वाइप आउट कर लीजिए। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है फेस मास्क। और अब अपने ऑल ओवर फेस और नेक पे मैं ये फेस पैक अप्लाई कर रही हूँ। इसे अप्लाई कर लेना है, और जब ये सेमी ड्राई हो जाए, 10 से 12 मिनट में या इजीली ड्राई हो जाता है, उसके बाद आपने इसे अच्छे से वाइप आउट कर लेना है, क्लीन कर लेना है। जब तक आपके फेस पे फेस पैक है, आप अपना कोई भी काम कर सकते हैं। देख सकते हैं इसे अच्छे से वाइप आउट कर लिया है मैंने, देख सकते हैं आप इसका इतना प्यारा रिजल्ट मिला है। नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप है सिक्स, वो है आस्तावेरी का ये सीरम। ये आपका जो ग्लो को है बहुत देर तक मेंटेन रखता है, तो इस सीरम को आपने अपने ऑल ओवर फेस और नेक पे अप्लाई कर लेना है, और आपका जो ये फेशियल है ये डन है। तो इस तरीके से आप फेस्टिव सीजन में घर पे इजीली कर सकते हैं फेशियल, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे मैंने चारकोल, आस्ताबेरी का चारकोल लिया है। आप कोई भी फेशियल किट जो आपको शूट होता है ऐसे ले सकते हैं, और स्टेप बाय स्टेप करके इजीली आप घर पे फेशियल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा आपको ग्लो मिलता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया यार तो प्लीज़ यार वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड इस फेशियल को आपने महीने में एक बार ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड, इसमें मैंने मसाज नहीं बताई है या ज़्यादा हार्डली कुछ नहीं किया है कि आपको ज़्यादा वेट करना पड़े। मंथ में एक बार आप ज़रूर अपने फेस पे इस फेशियल को कर सकते हैं, इससे आपकी स्किन स्ट्रेच हो जाएगी, आपका जो स्किन है हेल्थी रहेगा, ग्लोइंग आपकी स्किन रहेगी, डर्ट इम्प्योरिटीज की क्लीन हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज। और बहुत जल्दी आप लोगों के साथ मैं रक्षाबंधन का बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट से आपने मेकअप कैसे क्रिएट करना है वो लाऊंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइज।